वेलकम टू फैंटेसी काउंसिल फुटबॉल। आ गए हैं हम एक नया मैच के साथ जो कि होने वाला है स्पेन वर्सेस पोर्टुगल का। और एक बात और, कल के मैच में सबने बहुत कमाया जो कि था जर्मनी वर्सेस इंग्लैंड का। जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया था उनको फ्री टीम गई विद गाइडेंस, सबने बहुत कमाया। तो अगर आप भी कमाना चाहते हो तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जो कि है फैंटेसी काउंसिल प्रो। तो अब स्टार्ट करते हैं एक नया मैच जो कि है पोर्टुगल वर्सेस स्पेन का। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैच एक बार फिर से आ गया है। तो आइए देखते हैं क्या रहने वाली है हमारी पॉसिबल प्लेइंग 11, ग्रैंड लीग की प्लेयर्स, हमारी स्मॉल लीग टीम क्या रहेगी जो आपको मैच जिताएगी, पैसे कमाएगी। जी हाँ, इंपॉर्टेंट, पैसे कमाना है यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ कमाएंगे और उड़ाएंगे। देखते हैं। देखते हैं क्या रहते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड स्पेन और पोर्टुगल के। स्पेन 16 बार अब तक जीत चुका है। बात करें पोर्टुगल 6 मैच अब तक जीता, 17 ड्रॉ रहे हैं टोटल 39 मैचों में। देखा जाए तो स्पेन का पलड़ा हमेशा पोर्टुगल पे भारी रहा है, पोर्टुगल बस 6 मैच अब तक जीता है। आगे देखते हैं कैसी रहती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेंगे प्लेयर्स। बात करें स्ट्राइकर की तो स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपको यहां दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। पिछले मैच में इनको चोट लगी थी, खूनम खून हो गया था बंदा, पर ये इस मैच में खेलेगा। बात करें दूसरे स्ट्राइकर की तो वो रहेंगे एलियायो। मिडफील्ड में आपको बी सिल्वा, फर्नांडिस, कार्वेलो और नवेज दिखेंगे। बात करें मिड डिफेंडर की तो कैंसेलो पिछले मैच में नहीं खेले थे, सस्पेंड थे, इस मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये खेलते हैं तो ये मेरी टीम में जरूर रहेंगे। बात करें डी परेरा, एम रूई और डी टेलोंट रहेंगे। बात करें गोलकीपर की तो गोलकीपर रहेंगे पेट्रिको। देखते हैं क्या रहने वाली है पॉसिबल प्लेइंग 11 स्पेन की। स्पेन के स्ट्राइकर रहेंगे अमोराटा, बात करें मेसिनियो भी रहेंगे दूसरे स्ट्राइकर, और आपका मिडफील्ड में आपको सराबिया, गेवीरा, लोरेंटो और रॉड्रिग हर्नांडिस, और डिफेंडर में कार्वेल, इग्रेशिया, पी टोरेस और जॉर्डी अल्बा आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और गोलकीपर की बात करें तो यू सिमंस रहेंगे। आइए देखते हैं इनके रीसेंट रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं स्पेन और पोर्टुगल के। बात करें यूएफए नेशन लीग का मैच हुआ था अभी 2 तारीख को और 1-1 से ड्रॉ रहा। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच हुआ वो भी ड्रॉ, उससे पहले मैच हुआ वो भी ड्रॉ, वर्ल्ड कप का मैच वो भी ड्रॉ, लगातार ड्रॉ पे ड्रॉ खेले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं इस मैच में कोई ना कोई रिजल्ट आए ताकि पता तो लगे कौन टीम बेहतर है अब के सिनेरियो में। देखते हैं रीसेंट परफॉर्मेंस क्या रही है स्पेन की और पोर्टुगल की। पोर्टुगल ने स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया है और चेक रिपब्लिक को भी 2-0 से हराया है, स्विट्जरलैंड से हारा है और पिछला मैच 4-0 से चेक रिपब्लिक को हराया है। तो देखा जाए पिछले 4 में 3 मैच पोर्टुगल जीत चुका है, तो आप कह सकते हैं कि पोर्टुगल इस टाइम फॉर्म में है। और स्पेन की बात करें तो 2-2 से चेक रिपब्लिक से ड्रॉ खेला, स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया, चेक रिपब्लिक से जीता और स्विट्जरलैंड से हारा, पिछला मैच हार के आ रहा स्पेन। तो स्पेन के ऊपर दबाव रहेगा कि जीते और अगला देखते हैं कि पोर्टुगल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस क्या कैसी रहती है स्पेन के खिलाफ। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्ट्राइकर ने 4 मैच में 2 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार स्ट्राइकर है, पिछले मैच में चोट लगी है तो घायल शेर है, अब वापसी करना चाहेगा,
बात करें जे कैंसेरो जो उनके पोर्टुगल का डिफेंडर है, उसने भी 4 मैच में 2 गोल किए हैं। बात करें डी डेलॉट की, 1 मैच खेला बंदा और 2 गोल कर चुका है स्पेन के खिलाफ, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन गोल करने में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। बी सिल्वा 5 मैच में 3 बार असिस्ट कर चुका है, असिस्ट करने के 20 पॉइंट मिलते हैं। तो ये बंदा, इसको हम जरूर ट्राई करेंगे। बात करें बी फर्नांडिस, ये भी 5 मैच में 1 बार असिस्ट कर चुका है, और लियाओ 5 मैच में ये भी 1 ही बार असिस्ट करा है। तो ये देखते हैं स्पेन की प्लेयर की क्या कैसी परफॉर्मेंस रहती है पोर्टुगल के खिलाफ। पी सराबिया 5 मैच में 2 गोल किए अब तक कर चुका है पोर्टुगल के खिलाफ। गावी 5 मैच में 1 गोल। जॉर्डी अल्बा 4 मैच में 1 गोल, पिछले मैच में भी बंदा गोल करके आ रहा है। बात करें स्पेन के प्लेयर कौन कौन है वो जो असिस्ट करते हैं गोल करने में। एमेसेनियो 4 मैच में 3 बार असिस्ट, 3 बार गोल करने में इस बंदे ने मदद करी है, समझ रहे हैं आप, इसका मतलब 20 पॉइंट हर बार ये बंदा दे रहा है। पी सराबिया को देखें 5 मैच में 1 गोल, 1 असिस्ट। लोरेंटो की देखें 4 मैच में ये भी 1 बार इसने भी असिस्ट करा है अब तक। आइए बात करते हैं फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स, जो कौन रहेंगे वो प्लेयर्स जो आपको ग्रैंड लीग में आपके टॉप 5 में रैंक लगवा सकते हैं। ये रहिए, ऐसे रहेंगे हमारे फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स। आइए देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अब ये तो स्टार स्ट्राइकर गोल मशीन, क्या नहीं बोले से, मेरा तो फेवरेट प्लेयर है, तो मैं तो फर्स्ट पे यही रहेगा। 190 मैच में मतलब 117 गोल कर चुका। बात करें क्लब रिकॉर्ड्स की तो 649 मैच में 497 ये अब तक गोल कर चुका है, तो ये बंदा गोल मशीन है और ये गोल करते करता है यार, ये तो मतलब क्या बोले इसे, सब कुछ है। बात करें अगले फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर की तो वो रहेंगे ए मोराटा। इनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो 56 मैच में अब तक 26 गोल ये अब तक कर चुके हैं। बात करें इनके ओवरऑल क्लब रिकॉर्ड्स की तो 296 मैच में 97 गोल ये अब तक कर चुके हैं। अगले फैंटेसी की प्लेयर की तरफ की बात करें तो वो है बी सिल्वा, 71 मैच में 8 गोल किए हैं, 313 मैच में अब तक 62 गोल कर चुके हैं। बात करें इनके क्लब के रिकॉर्ड की। अगला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है बी हर्नांडिस, 47 मैच में 8 गोल और 318 मैच में 95 गोल अब तक कर चुका है। अगला फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर है पी सराबिया, इस बंदे ने 23 मैच में 9 गोल किए हैं, नया प्लेयर है, और 316 मैच में अब तक ये 62 गोल अब तक कर चुका है। बात करते हैं क्या रहने वाले हैं हमारे वाइस कैप्टन कैप्टन चॉइसेस कॉम्बिनेशन, जो आपको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करने चाहिए। एक रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हमारा एक कैप्टन स्ट्राइकर है, थोड़ा स्ट्राइकर है, और इसके साथ वीसी आप ट्राई कर सकते हैं बी सिल्वा को। अगला कॉम्बिनेशन की बात करें तो ए मोराटा और वीसी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं फर्नांडिस को, मिडफील्ड में आपको पॉइंट देंगे। बात करें अगले कॉम्बिनेशन की तो रहेंगे पी सराबिया और आग्लियो, तो कुछ ऐसे रहेंगे हमारे। और हाँ, आप एक कॉम्बिनेशन में जे कंसालो या डी डेलॉट को बिठाया गया सर, डी डेलॉट ने स्पेन के खिलाफ 2 गोल अब तक कर चुका है, तो मतलब उम्मीद है कि ये बंदा एक गोल एक आध गोल या गोल भी ना करे तो असिस्ट करके आपको पॉइंट्स देगा। आइए देखते हैं क्या रहने वाली है हमारी स्मॉल लीग टीम, स्मॉल लीग टीम है तो गोलकीपर मैंने लिया है सिमन को, स्पेन से गोलकीपर मैंने उठाया है। क्यों लिया है? रीजन क्योंकि
यहाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और ये बार बार अटैक करेगा स्पेन के उस पे, तो मतलब गोल भी होंगे और गोल अगर नहीं हुए इस बंदे ने बचा लिए सेव कर लिए तो उसके भी पॉइंट मिलेंगे। तो सिर्फ और मैंने अगला स्ट्राइकर लिया है स्पेन से एमएसएनयू। मिडफील्ड मैंने लिया है सिल्वा, सराबिया, फर्नांडिस और गवीरा। डिफेंडर मैंने स्पेन से लिया है जॉर्डी अल्बा, पोर्टुगल से कैंसेलो, एमरुई और डलोट। डलोट ने एक मैच में 2 गोल करे स्पेन के खिलाफ। रुई पिछला मैच में इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छे इनने पॉइंट्स दिए हैं। कैंसेलो एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, उभरता प्लेयर है पोर्टुगल का, पिछला मैच नहीं खेल पाया, तो उम्मीद है अगर ये बंदा खेलता है तो आप इसको तो जरूर ट्राई जरूर लेना। अगर नहीं खेलता तो मैं उसका अल्टरनेट चॉइस जो भी होगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जो कि है फैंटेसी काउंसिल प्रो, तो ज्वाइन कर लेना याद से। और स्पेन से लिया है जॉर्डी अल्बा। जॉर्डी अल्बा एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है और पिछले मैच में इस बंदे ने गोल भी किया था। तो ये ऐसा रहेगा कुछ हमारा स्मॉल लीग टीम, और जो भी कोई चेंजेस होंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।